हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका ओनली ज्योति चैनल में। आज की वीडियो में आपको डोरी की कटिंग और स्टिचिंग करना और कैसे डोरी को निकालते हैं वो सिखाऊंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये डोरी ले ली है जिसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच कटिंग 1 इंच के निशान से कटिंग कर ली है और इसकी लंबाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको जितनी भी लंबी डोरी चाहिए। मैंने इसकी लंबाई 29 रखी है। इसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 29 रखी है क्योंकि मुझे 29 इंच की डोरी तैयार चाहिए। अब मैं आपको इसे स्टिच करना सिखाऊंगी। ये देखिए, पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करके धूप के नीचे रखना है और हमें धूप के बराबर ही सिलाई लगानी है, यानी एक पैर की बराबर सिलाई लगानी है और बराबर ही डोरी निकलेगी। देखिए, इस तरीके से पूरी डोरी पे एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हम इसे हैंड वाली निडल से पलटेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने हैंड वाली सुई ली है और धागे को 4 बार फोल्ड करके डाल दिया है। 4 लेयर में धागा है, इसे इस तरीके से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद डोरी की किसी भी साइड से यहाँ पे हैंड वाली सुई से लॉक कर देंगे। ये डोरी पलटने का तरीका है, ऐसे लॉक करके और जिस साइड से हम धागा डालते हैं उसी साइड से यहाँ से कपड़े के अंदर हैंड वाली निडल को डालेंगे। इस तरीके से जैसे मेरा यहाँ से ये हैंड वाली निडल कपड़े से बाहर आ गई, ये गलत है, इस तरीके से बाहर नहीं आनी चाहिए। बस जो हमने सिलाई लगाई है उसके अंदर अंदर से निडल को निकालना है। और ध्यान से निकालना क्योंकि पीछे की साइड से निडल की नोक आपके हाथ में लग सकती है। देखिए, इस तरीके से मैंने सुई को बाहर निकाल लिया। अब क्या करना है, हमें हल्के हाथ से धागे को खींचना है और यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा अंदर कर लेना है जिससे आसानी से डोरी पलट ली जाए पलट लेगी। देखिए, यहाँ पे से बिल्कुल फैब्रिक अंदर चले गया। अब आपको धीरे धीरे धागा इस तरीके से खींचना है। देखिए, यहाँ पे जो डोरी घूमने लग जाती है इसे बिल्कुल सीधी कर लेना तो एक बार में बहुत आसान तरीके से डोरी पलट जाएगी। देखो, यहाँ पे जो मार्जिन है अंदर आ गया। अब इसे आराम से खींचोगे धागे को, ज़्यादा तेज नहीं खींचना, डोरी पलट आराम से पलट जाएगी। ऐसे अब हमें ये कपड़े से ही खींच के डोरी निकाल लेनी है। आप ज़्यादा तेज खींचोगे तो आपका निडल का धागा टूट सकता है। देखिए, डोरी पलट गई है। देखिए, डोरी पलट गई है। अब हम इसमें तैयार करने के लिए कुदने लगाएंगे। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कपड़ा काट लिया है जो 4x4 के नाप से, ये 4 लंबाई और 4 चौड़ाई, ठीक है। हमें इसे यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करना है, चौकोर फोल्ड में रखना है और इसे गोल शेप में कटिंग कर देंगे यहाँ से, इस कोने से।
ये देखिए गोल कटिंग हो गई है। अब इसे हम हाफ करके बीच में से कट कर लेंगे। इसमें से हमारे दो फुदने तैयार होंगे, दो लटकन। इसके गोलाई में हम लेस लगा लेंगे, पहले लेस लगा के तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरीके से 10 पीस कट कर लिए हैं, ठीक है। आप भी आपको जितना चाहिए लगाने के लिए आप उतना कट कर लीजिए। अब मैं इसमें लेस लगाऊंगी। यहाँ से लेस लगाते समय एक चीज का ध्यान रखना है, लेस गोलाई की तरफ ही लगानी है। इसी तरीके से मैं पूरे सारे पे लेस लगा लूंगी, इन सब पे।